राम कुमार सर, राम कुमार काश्यप, यस सर। सबसे पहले तो मैं आपको बेटर नेम कुमार कृष्णा इज बेटर देन कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, आम बजट में कारोबार को आसान बनाने सहित मेक इन इंडिया, जन धन योजना, स्वच्छ भारत, नमामि गंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को विशेष महत्व दिया गया। बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पानीपत हरियाणा से पहले ही किया जा चुका है। समाज के हित में उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे लिंग अनुपात में सुधार होगा। बिंद मंत्री जी, जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस क्षेत्र में ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश के विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। आज देश में समान शिक्षा नहीं दी जा रही है, जो कि अति चिंता का विषय है। सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, अतः इन स्कूलों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, शिक्षा प्राप्त करना बहुत महंगा हो गया है, जिस कारण शिक्षा प्राप्त करने के लिए गरीब को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब का बच्चा भी प्रतिभाशाली होता है, परंतु पैसे की कमी से वह अपनी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। आज मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 20 लाख से लेकर के 35 लाख तक का डोनेशन मांगा जाता है, जो गरीब के बच्चे के बच्चा नहीं दे सकता। आज देश में ओबीसी की 52% की आबादी है। इस वर्ग में भी कई जातियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है। अतः वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इन ओबीसी गरीब बच्चों के लिए प्रधानमंत्री के नाम से बजट में एक ऐसे कोष की स्थापना की जाए, जिस कोष में से ये बच्चे 0% के ब्याज दर पर लोन प्राप्त करके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश के विकास में अपना अहम योगदान कर सके। मंत्री महोदय, आपने बजट में सेहत के लिए केवल 32,068 रुपये करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि बहुत कम है। देश में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। आज देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है, जिसके कारण मरीजों को उस समय पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण कई बार तो मरीजों की मृत्यु ही हो जाती है। आज भारत में 1700 नागरिकों पर एक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1000 नागरिकों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इस प्रकार 2020 तक 4.5 लाख डॉक्टरों की और जरूरत होगी। देश में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें से 180 सरकारी और 206 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 30,000 डॉक्टर हर साल तैयार होते हैं, जो कि काफी कम है। देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए देश के हर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करें। मैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हरियाणा के हर एक जिले में एक एक जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मैं उसकी इस घोषणा का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, जब भी हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव आता है, उसे शीघ्र अति शीघ्र स्वीकृति देने का काम करें। सर, पिछले दिनों हरियाणा राज्य में यूरिया खाद की काफी कमी महसूस की गई, जिसके कारण किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ तक किसानों ने महिलाओं के माध्यम से थाने में जाकर के यूरिया खाद लेनी पड़ी। आने वाले समय में यूरिया की किल्लत न हो, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, हरियाणा के अंबाला जिले में, जो कि एक बहुत बड़ा पिछड़ा हुआ जिला है, उसमें एक यूरिया खाद का एक यूनिट लगाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। मंत्री जी, इससे खाद की कमी तो दूर होगी ही, साथ में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अंत में मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए, ताकि उत्तर भारत में यह विश्वविद्यालय शिक्षा, कला, संस्कृति व खेल का उत्कृष्ट केंद्र बन सके तथा गीता के ज्ञान का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का शिलान्यास 11 जनवरी 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र द्वारा किया गया था। आज यह विश्वविद्यालय 46 विभागों में शिक्षा दे रहा है। अतः मैं इसकी सर एक वन मोर मिनट सर आने शिक्षा के शिक्षा व शोध में इसका देश में 13वां स्थान है। विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन पेंशन के लिए लगभग
145 करोड़ की बजट की जरूरत है, परंतु प्रदेश सरकार सालाना 36 करोड़ की मुहैया कराती है। शिक्षकों व बजट के अभाव में यहाँ शोध व शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अतः इस स्थिति को देखते हुए इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। इस मांग को लेकर खुशेत्तर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कोटा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवेश कुमार के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं। आपने मुझे मौका बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।